ऑटो एक्सपो शुरू होने से पहले मारुति को लेकर काफ़ी हल्ला हो रहा था, क्योंकि मारुति सुजुकी दो नई SUVs इस ऑटो एक्सपो में पेश करने वाली थी। जी हाँ, दोनों SUVs पेश कर दिए, एक है मारुति की जिमनी और दूसरी है मारुति फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स बेसिकली क्या है? देखो, हल्ला ऐसा भी हो रहा था कि जो बलेनो का क्रॉसओवर मॉडल है या फिर SUVs बेस्ड मॉडल है वो उतारा जाएगा, वो दिखाया जाएगा। अब बलेनो क्रॉस तो नहीं है, लेकिन फ्रॉन्क्स है, नाम चेंज कर दिया है और पूरा का पूरा वही है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में अब आप देखोगे, अगर आपने पुरानी वाली बलेनो देखी होगी साल 2017 वाली, तो उसमें एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था, बलेनो RS जिसका नाम था। हालांकि कम सेल्स के चलते उसे बंद कर दिया गया और BS6 नॉर्म्स भी आ गए तो उस टाइम पे उसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब वो जो इंजन है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है वो इस गाड़ी के साथ वापसी आ गया है। खैर, इंजन के बारे में बाद में बात करते हैं, लुक्स और डिज़ाइन को लेकर बात कर लेते हैं। तो गाड़ी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये प्रॉपर SUVs स्टांस देती हुई नज़र आती है और ये बलेनो की पूरी याद दिलाती हुई भी नज़र आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्प्लिट हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, ये बेसिकली DRL का काम करती है, नीचे की तरफ हेडलाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पर स्प्लिट 3 हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी और क्लीन लग रही है। बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ लोअर ग्रिल भी आप देख सकते हैं जो कि प्रॉपर वर्टिकल शेप में है, और बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रही है और काफ़ी ब्रॉड आपको यहाँ पर ये स्टांस देता हुआ नज़र आ रहा है। साइड प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और अगर हम टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60 R16 यहाँ पर टायर है, और जो इसका डिज़ाइन है अलॉय व्हील का ये भी काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी पर लग रहा है। साइड क्लैडिंग आप देख सकते हो जो कि इसे प्रॉपर एक SUV-ish लुक देती हुई नज़र आती हैं। बाकी यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो आपको सेम बॉडी कलर मिलते हैं, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि सेम सिल्वर और ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आती है, और ये प्रॉपर इस गाड़ी को SUV फील देते हुए नज़र आते हैं। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो टेल लाइट्स है ये बिल्कुल कनेक्टिंग है। जी हाँ, अब आपको कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल रही है। देखो, ग्रैंड विटारा में भी जो लोगो था ना वो टेल लाइट को मतलब एक दूसरे से डिवाइड करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ये प्रॉपर कनेक्टिंग टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। फ्रॉन्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है, यानी कि जो इस गाड़ी में इंजन है वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा। बाकी पार्किंग सेंसर्स 4 आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से पूरा लुक देखते हो मतलब पीछे से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये बड़ा सा बम्पर और ये रियर स्किड प्लेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसका अगर आप बूट ओपन करते हो तो यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसके बूट को अगर आप ओपन करते हो यहाँ से तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है जो कि फुल साइज़ का है, हालांकि अलॉय व्हील नहीं है, स्टील व्हील है ये। तो यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रही है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं मारुति के फ्रॉन्क्स में क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। अब अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर सेम वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको मारुति की लेटेस्ट गाड़ियों में देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, वही सेम बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, टच एंड सेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अगर आप देखते हैं, और साथ ही इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ये ऑन हो जाए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका टच एंड सेंस किस तरीके से काम करता है। ये देखो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, इसे होम बटन पर टैप कर देता हूँ। सेम वैसा ही सेम वही यूनिट है जो कि आपको लेटेस्ट मारुति की गाड़ियों में देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि आपको लेटेस्ट मारुति की गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। हेडअप डिस्प्ले वगैरह भी इसके टॉप मॉडल में आपको देखने को मिल जाएंगी, और बाकी यहाँ पर ये जो लेआउट वगैरह देख रहे हो ये आपको सेम बलेनो जैसा ही देखने को मिलता है, ग्रैंड विटारा में भी सेम कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बेसिकली वही सिग्नेचर डिज़ाइन इंटीरियर का आपको देखने को मिलता है जैसा कि अभी आपको मारुति की लेटेस्ट गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। हालांकि एक चीज़ की कमी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर अब आपको सनरूफ नहीं मिल रही, मतलब यहाँ सनरूफ नहीं दी गई है जो कि मुझे लगता है कंपनी को देनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर SUVs स्टांस कंपनी ऑफर कर रही है या फिर बलेनो क्रॉस एक गाड़ी भारतीय बाज़ार में लेकर आ रही है, देखो बलेनो के जो सेगमेंट में i20 है वहाँ पर आपको सनरूफ मिलती है, अब एल्ट्रॉज में भी आपको सनरूफ मिलने लग जाएगी कुछ दिनों बाद, तो बलेनो में नहीं है। तो ऐसा मानना है लोगों का कि अगर बलेनो क्रॉस आ रही है, मारुति फ्रॉन्क्स आ रही है, तो यहाँ पर सनरूफ मिलना चाहिए। इसके अलावा सीटों की बात करें तो सीटें आपको अच्छे खासे कुशन के साथ देखने को मिल जाती हैं, आपको बढ़िया कुशन सीटों में देखने को मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, हेडरेस्ट का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है,
और साथ ही यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो ये सेम जिस तरीके से मारुति की गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है लेटेस्ट, वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और पेडल शिफ्टर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर व्यू देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सनवाइजर के साथ वैनिटी मिरर और लाइट, और यहाँ पर ये टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, दो कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जर, बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और स्टोरेज स्पेस की बात करें दरवाज़ों पर तो वो भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। फ्रॉन्क्स को कंपनी कह रही है एसयूवी कूपे, यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी कूपे है, और इसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर से 5 mm कम है। तो ऐसे में आपको रियर सीटों पर भरपूर स्पेस मिल जाता है, आपको बढ़िया लेग रूम मिल जाता है, हेडरूम अच्छा मिल जाता है, और जो सीटों का जो कंफर्ट है अंडरनीथ थाई सपोर्ट है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। 3 लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं और कंफर्ट भी इनका बढ़िया है। हालांकि एक चीज़ की जो कमी आप देख सकते हो, यहाँ पर ना आर्मरेस्ट नहीं है, अगर 2 लोग बैठ के सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है। बाकी 3 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और 3-point seat belt मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंपनी ने काम किया है सेफ्टी को लेकर अगर आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टोरेज स्पेस अगर रियर सीटों पर आप देखते हैं तो रियर सीटों पर यानी कि दरवाज़ों पर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको 1-1 लीटर की पानी की बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको टाटा फ्रॉन्क्स में देखने को मिल रही है। मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, एक जैसा कि स्टार्टिंग में बताया मारुति का बूस्टर जेट इंजन जो कि 1 लीटर का है और ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 100 BHP की पावर, 147 Nm का टॉर्क देगा, और साथ ही इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी जो मारुति सुजुकी का दूसरा इंजन है ना जो कि आपको बलिनो में भी देखने को मिल रहा है 1.2 लीटर का, वो मिलेगा 90 BHP की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो बिक्री है वो आपको नेक्सा आउटलेट के ज़रिए ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, मारुति का जो नेक्सा शोरूम है जो कि प्रीमियम शोरूम है वहीं से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। और कीमतों की बात करें तो जाहिर सी बात है अब प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV आप इसे कह सकते हो, SUV कूपे कह सकते हो, तो जाहिर सी बात है बलेनो से तो ऊपर इसकी कीमत होगी। बेस मॉडल इस गाड़ी का बलेनो के मुकाबले लगभग 70-80 हज़ार रुपये महंगा हो सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि मारुति फ्रॉन्क्स का एक डिटेल्ड वॉकराउंड देखना चाहते हैं।